नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल आस्क ऑटो गुरु पर। आज है मंडे और हर मंडे मैं लेकर आता हूं आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को, जहां पर आप ही के द्वारा शेयर करे हुए रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मैं बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। यानी कि जिस भी पर्टिकुलर व्हीकल को आप यूज कर रहे हो, चाहे वो कार हो चाहे वो बाइक हो, उसका रियल लाइफ एक्सपीरियंस, प्रोज कॉन्स, जो आपका ओनरशिप रिव्यू है, वो आप मुझे लिख करके भेजते हो और वही इस चैनल के जरिए बाकी पब्लिक के साथ शेयर करता हूं। इससे होता यह है कि सामने वाला अगर पर्टिकुलर उसी गाड़ी की जो आप यूज कर रहे हो, उसी गाड़ी की प्लानिंग कर रहा है, खरीदना चाहता है, तो उसकी वो काफी ज्यादा हेल्प करा देता है। तो बस यही कहानी यहां पे है। आइए शुरू करते हैं आज के रियल लाइफ एक्सपीरियंस या फिर आपकी बात आस्क ऑटो गुरु के साथ इस एपिसोड को। और यहां पे सबसे पहले जो कमेंट यानी कि जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ भेजा है वो है मिस्टर वैभव दास जी। काफी पुराने सब्सक्राइबर्स है हमारे, काफी अच्छी कमेंट्स ये सवाल जो पूछते हैं हर बार। तो ये कहते हैं, सर मैं आपके हर वीडियो देखता हूँ। जी बिल्कुल, हमें पता है आप हमारे रेगुलर व्यूअर हो। और मैंने प्लैटिना एच गियर BS6 आपके वीडियो देखने के बाद लिया और अभी उसके 3 महीने हो चुके हैं और मैं उसका एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये बाइक में मुझे 60 KMPL का माइलेज मिल रहा है, 60 KM/L का 3 महीने चलाने के दौरान इतना माइलेज इनको मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। वैसे मैं आपको बता दूं वैभव जी, ये माइलेज और इंक्रीज होगा। आपने कितनी सर्विसिंग कराई है और किस टाइम पे कराई है ये मुझे पता नहीं है और आपने ना ही इसे भेजा है। तो एक चीज़ आप जो है मुझे इंस्टा पे फॉलो अगर कर रहे हो तो वहाँ पे आप मुझे इसकी डिटेल्स जो है, पहले सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे कराई, दूसरी कितने किलोमीटर पे कराई, तीसरी हुई है या फिर नहीं हुई है, ये लिख करके भेजो। उसमें कुछ टिप्स रहेंगे तो शायद मुझे पॉसिबल रहेगा, तो ज़रूर आपको बता दूंगा। पहला पॉइंट इनका माइलेज का था। दूसरा पॉइंट है इनका कंफर्टेबल भी है और ट्रैफिक में चले से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लॉन्ग ड्राइव में पूरा स्मूथ चलती है। बिल्कुल, देखो ये गाड़ी ऐसी है, कंफर्टेक के नाम से भी जानी जाती है। सस्पेंशंस इन छोटी गाड़ियों में, बजाज की छोटी गाड़ियों में 100-110 cc सेगमेंट, इनफैक्ट जो डिस्कवर आया करती थी उसके सस्पेंशंस भी लाजवाब थे, काफ़ी अच्छे थे। खराब रास्तों पर भी पीठ में, कंधों में, कमर में दर्द महसूस नहीं हुआ करता था। वही चीज़ यहाँ पर दोहराई गई है प्लैटिना एच गियर, प्लैटिना 100 cc, सिटी 100, इन तरह की गाड़ियों में। तो नो डाउट ये काफ़ी अच्छी कंफर्टेबल राइड है, राइडिंग के लिए गाड़ियां है, सिटी राइडिंग के लिए बेहतरीन है। कभी कभार लॉन्ग राइड भी हो जाती है आपकी तो भी ये काफ़ी अच्छी गाड़ियां है, जैसे कि आपने बताया है। मैं बाकी लोगों से ये चीज़ कहीं ना कहीं शेयर कर रहा हूँ आपके ज़रिए। और वह आगे वैभव जी लिखते हैं कि दो लोग के साथ भी अच्छा पिकअप मिल जाता है कंपेरिजन टू अदर बाइक इन दिस सेगमेंट, बट बजाज को इसका टैंक और फाइबर का थोड़ा और अपडेट देना चाहिए और मुझे अभी तक कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिली इस बाइक से। आपने जो एक्सपीरियंस भेजा है वो थोड़ा सा मुझे लगा अधूरा है, इसमें कुछ और चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। पहले आपने जो बताया है वो मैं बताना चाहूँगा। तो दोस्तों ऐसा है कि इनको कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन जो है वो मिल रही है, सीटिंग पोजीशन अच्छी है, कंफर्टेबल है सिटी राइडिंग में, चाहे हाईवे राइडिंग में। यच गियर है ऑब्वियसली, 5वां गियर ये हाईवे राइडिंग के लिए जाना जाता है। इसी के साथ दो बंदों के साथ भी इस गाड़ी का पिकअप, इनिशियल पिकअप फर्स्ट गियर में वो भी अच्छा मिल रहा है। 60-65 तक का माइलेज, 60 तक का, 65 नहीं, माइलेज इनको आराम से मिल रहा है। इसके अलावा इस गाड़ी के कुछ ऐसी चीज़ें हैं, देखो ऐसा है कि अगर आप कंटिन्यूसली 65-70 km/h के स्पीड पर क्रूज करते हो तो गाड़ी स्मूथ चलती है, वाइब्रेशंस नहीं है इसमें। ओवरऑल कर्व वेट भी ठीक ठाक सा है, बॉडी टू वेट रेशियो भी अच्छा सा मेंटेन इसमें करा गया है। तो अगर बारिश के दिन है, हवा आ रही है, इधर से आ रही है उधर से आ रही है, यू नो विंड्स आते रहती है, टकराती है आपके ऊपर गाड़ी, कभी कभी लहराती, कभी कभी बाजू से बड़ा ट्रक चला जाता है स्पीड में तो उसका जो हवा का झोंका आता है वहाँ से लहराती है, तो ये चीज़ कहीं ना कहीं रिड्यूस कर दी गई है पहले वाली प्लैटिना के मुकाबले। तो ये चीज़ इसमें बेनिफिट मिल जाता है आपको। और आजकल क्या बताना, इसमें तो ABS भी आ चुका है और वही हैंड गार्ड्स भी आपको हैंडल पर लगे हुए मिलते हैं, यानी कि जो गाड़ी अगर गिर भी जाती है तो आपके हाथ डैमेज नहीं होंगे, हैंड गार्ड्स लगे हैं उसमें आगे, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। ये गाड़ी काफ़ी अच्छी अपग्रेड करके रखी है 100 and 110 cc सेगमेंट में, कहीं ना कहीं इसने अपना बेहतरीन नाम कमा रखा है। तो ये चीज़ें इस प्लैटिना एच गियर के साथ है। तो जो भी लोग इस गाड़ी की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए ये एक्सपीरियंस शायद काफ़ी काम आ सकता है। वैभव दास जी, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने आपका कीमती समय देकर के इतनी अच्छी कमेंट हमारे साथ शेयर की। बढ़ते हैं आगे और दूसरी कमेंट यानी कि दूसरा रियल लाइफ एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया है वो है सनत पटेल। और ये लिखते हैं, भैया जी मेरे पास हीरो HF डिलक्स है, उसको पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ। 3 साल पुरानी ये गाड़ी है जो कि HF डिलक्स है, हीरो की तरफ से आने वाली बेहतरीन मजबूत रफ एंड टफ बाइक है ये।
जो कि मैक्सिमम विलेजेस में, और किसान जो बड़े बड़े गोनियां हैं या फिर हेवी वेट होता है वो रख कर के चलते हैं, वो लोग इसे ज़्यादा यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ द पावर, रफ एंड टफ बिल्ड क्वालिटी की वजह से। तो वो गाड़ी वो 3 साल से यूज़ कर रहे हैं। बाइक तो अच्छी है लेकिन उसमें सस्पेंशंस काफ़ी हार्ड है, ये बड़ा प्रॉब्लम है। हीरो में स्प्लेंडर है, HF डीलक्स है, इनफैक्ट पैशन प्रो जो आजकल आ रही है उसके भी कुछ हद तक सस्पेंशंस हार्ड है। सस्पेंशंस हार्ड इसलिए दिए जाते हैं क्योंकि रोड पर उनकी स्टेबिलिटी बनी रहे, ये एक रीज़न है, लेकिन इतने ज़्यादा भी हार्ड नहीं होने चाहिए जितने कि इन तीनों गाड़ियों में हैं, तो ये और स्मूथ हो जाने चाहिए थे। अगर आपकी 80, 90 या फिर 100 किलोमीटर या फिर उससे ज़्यादा की रनिंग हो जाती है एक दिन में, तो आपकी पीठ जवाब देने लग जाती है, यानी कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द आपको महसूस होने लग जाता है, इस तरह के हैं, जो कि वाकई एक सही बात है, सच्चाई है। इन्होंने आगे भी लिखा है, डेली राइड 50 से 60 किलोमीटर इस बाइक को चलाने से पीठ कमर में दर्द होने लगता है। मैंने अभी अभी कहा 50-60 किलोमीटर, मैंने तो 80-90 किलोमीटर कहा था, खैर 50-60 किलोमीटर, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। मेरे जैसा यंग बंदा है तो वो 80-100 किलोमीटर भी लेकर के जा सकता है, और कुछ एजेड बंदे हैं तो 60-70 किलोमीटर पर भी वो कहीं ना कहीं उनको दर्द होने लग जाएगा, तो वो चीज़ें हैं। भैया जी, मैं प्लाटिना 100 CC और स्टार सिटी प्लस में कौन सी बाइक लूँ? अच्छा, सवाल भी पूछा है इसके अंदर। मुझे ऑफ रोड भी चलानी पड़ती है, मिट्टी कीचड़ वाली रोड पे मुझे प्लाटिना बहुत ज़्यादा स्कीड करती है। तो देखो, इस सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ मैं। पहले जो आपने HF डिलक्स जो गाड़ी है उसके बारे में बताया, उसमें मैं मेरी एंड से और जो मार्केट रिव्यू कह रहा है उसकी एंड से कुछ चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। इस गाड़ी का इनिशियल पिकअप अच्छा है, फर्स्ट गियर में ये उठ जाती है, लेकिन उस हद तक नहीं चलती है जिसे जितनी हमें चलानी चाहिए, मतलब 4 किलोमीटर पर हवर, 3 किलोमीटर पर हवर, इतना छोटा सा स्पीड ये लेते हैं। मतलब गाड़ी उठाने का काम सिर्फ फर्स्ट गियर करता है, ऐसा नहीं कि इसकी सेगमेंट में आने वाली बाकी गाड़ियों की तरह ये थोड़ी बहुत चले। तो ये कुछ लोगों को ऐसा मिलता है, कुछ लोगों को जैसे मैं बता रहा हूँ वैसा मिलता है, ये पहला इसमें डिसएडवांटेज है। दूसरा, सस्पेंशन जैसे मैंने कहा वो इसमें कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। तीसरा, इसका हेडलाइट, ये जो स्प्लेंडर है और HF डीलक्स है दोनों में लगभग सिमिलर टाइप का हेडलाइट है, तो हेडलाइट रात के समय में इतना ज़्यादा अच्छा क्लियरिटी नहीं दिखा पाता आपको, ये भी है। अब इसके एडवांटेजेस भी है। एडवांटेज भाई, इसकी बिल्ड क्वालिटी है, रफ है, टफ है। मैं मानता हूँ कि इससे पहले, मतलब 5-6-7 साल पहले जो स्प्लेंडर आया करती थी और जो HF डीलक्स आया करती, उनकी बराबरी आज की गाड़ियां कभी भी नहीं कर पाएंगी, ना दूसरी कंपनियों की और ना ही खुद की हीरो की। कहीं ना कहीं इसमें आपको थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग वगैरह, मटेरियल कहीं ना कहीं थोड़ा सा हल्का वगैरह वो यूज़ किया हुआ मिलता है, लेकिन फिर भी नाम से काम चलता है तो फिर बाकी चीज़ें को देखने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। तो वही है, बाकी मजबूत गाड़ी है, अच्छी गाड़ी है, कुछ हद तक मेंटेनेंस फ्री गाड़ियाँ इन दोनों ही गाड़ियों को माना जाता है, स्प्लेंडर को और HF डिलक्स को। HF डिलक्स में और स्प्लेंडर में लगभग सारी चीज़ें सिमिलर है, तो वो चीज़ है। अब आपने जो सवाल पूछा था पटेल जी, तो मैं आपको आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। आपको कीचड़ में, मिट्टी में चलना पड़ता है, आपको प्लेटिना पे डाउट है कि ये स्कीड होती है? देखो, ऐसा है, अगर आप प्लेटिना ही लेना चाहते हो तो ABS का अभी जो वेरिएंट आया हुआ है वो ले सकते हो, इसमें स्कीड होने के चांसेस नहीं है, इनफैक्ट ना के बराबर है, काफ़ी कम है। तो ये गाड़ी आप ले सकते हो, कंफर्टेबल राइडिंग आपको मिलेगी। इससे पहले मैंने एज गियर की ही जो कमेंट थी वो पढ़ के बताई, तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाड़ी किस तरह की है। उसके अलावा स्टार सिटी प्लस भी अच्छी गाड़ी है, लेकिन ऐसा है कि TVS आप किस एरिया में रह रहे हो ये डिपेंड करता है। सर्विस नेटवर्क, स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी अच्छे से चेक कर लेना, उसके बाद आप उस गाड़ी की ओर भी जा सकते हो। वो भी अच्छी गाड़ी है, TVS स्टार सिटी मैंने खुद चलाई है 3 महीने, काफ़ी अच्छी गाड़ी है, मुझे परफॉर्मेंस उसका ठीक ठाक सा लगा, अच्छा लगा। हाइयर स्पीड में थोड़ा सा वाइब्रेशन वगैरह यहाँ पे महसूस होते हैं 70-80 किलोमीटर के बाद, शायद मैं जिस यूनिट को यूज़ कर रहा था उसमें हो, बाकी और लोगों को ना हो, तो ये मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। खैर, इसी पे खत्म करते हैं आज का ये एपिसोड, आपकी बात आस्क ऑटोगुरु के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब आपको एक ही चैनल पर अवेलेबल हो जाए, तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही अगर अभी भी आपने मुझे इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक पर फॉलो नहीं कर रखा है, तो वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो करके आपकी दुविधाएं पूछ सकते हो, जिनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और अगर आप भी इसी तरह का कोई रियल लाइफ एक्सपीरियंस, यानी आप किसी भी तरह की कोई व्हीकल हो, चाहे 2 व्हीलर है चाहे 4 व्हीलर है, यूज कर रहे हो, तो उसका एक्सपीरियंस अगर हमारे साथ शेयर करना चाहते हो तो इसी वीडियो के नीचे लिख करके जरूर भेजना। हो सकता है आपकी वो एक छोटी सी कमेंट बाकी किसी दूसरे और बंदे की हेल्प करा दे, उसे बाइंग डिसीजन में जो है मदद करा दे। यही हमारी कोशिश होती है, गाड़ी कमाई होती है, मेहनत का पैसा होता है, गलत जगह ना लग जाए यार, बस वही चीज है। खैर, अब मैं चेतन पाटिल लेता हूं आपसे विदा, और फिर से मिलता हूं ऐसे ही किसी नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।